गुड्डी के बाल, बुड्ढी के बाल, ये होता क्या है? इसे क्या कहते हैं? गुड्डी के बाल या बुड्ढी के बाल? कैंडी फ्लॉस, शक्कर की रुई, हवाई मिठाई। पुचका खावे? पुचका? पांच टाका या दोस्ता? पांच रुपए में दोस, एकदम मस्त। ये लो। ये क्या खा रहे हैं थकेला? खा नहीं रहे, ये तो क्या है, कटोरी में से पानी पी रहे। जो भी कर रहे हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज खानी पड़ेगी। खा लो साहब, फुचका खा लो, उसका बाद एक और राउंड लगाएगा मेरा हीरो, बहुत जान है। दादा मुझे मीठा चटनी ज्यादा डालना। अच्छा। वाह क्या स्वाद है। लाजवाब है, मजेदार, धमाकेदार। अरे छोटू, तूने मेरा पुचका क्यों खाया? मैंने नहीं खाया। तो तुमने खाया? उड़ी बाबा, मैंने तो अपना भी नहीं खाया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इस बार तीखा मार के देना दादा। आंसू, ये तो रो रहा है, मतलब उदास है। बहुत। ये हमें देख सकता है, बात भी कर रहा है। मेरे दोस्त, तुम जरूर किसी मुसीबत में हो, तभी इतने दुबले हो गए हो और तभी हमें देख पा रहे हो। बताओ आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी मेरा शोमू सेठ है, वो मुझसे दिन भर गाड़ी चलवाता है, पेट भर खाना भी नहीं देता, सिर्फ पानी पिलाता है। वेरी बैड, वेरी बैड। बिना खाना खाए भला कोई घोड़ा कैसे दौड़ सकता है? इतना ही नहीं, दिन में यहाँ दौड़ाता है और रात को हावड़ा के सेठ के पास भेजता है। मैं बहुत दुखी हूँ। ये शोमू टांगे वाला तो बहुत बड़ा पापी है। हाँ, हीरो का ना ख्याल रखता है, ना पेट भर खाना देता है, दो दो शिफ्ट में काम करवाता है। चलो दादा, एक दो राउंड और लगवा दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चल रहे हीरो चल, बहुत जान है तुझमें अभी। हाँ, सब लोगों को घुमा के ला, उसके बाद लंच टाइम, ठीक है? मुझे बचाओ दोस्तों। इस सोमू पापी को सजा मिलनी चाहिए, हीरो की हालत सुधारनी चाहिए। हीरो, तुम्हारे अच्छे दिन हम लौटा के रहेंगे, तो सोच क्या रहे हो थक्को पक्कू? डम डम डम, चलो करे पाकड़। ये ले खा ले। कहो हीरो, कहाँ है तुम्हारा सोमू सेठ? खाना लेने गया है, वो देखो आ गया। बहुत तेज भूख लगी है। ये ले हीरो, बोनस है तेरा, इतना खा, बहुत जान है। मैं तो अपने लिए लाया हूँ बिरयानी। हाँ।
ये क्या घास बिरयानी? कबाब रोल भी लाया हूँ। बाबा उसने मुझे घास पार्सल करके दिया। उसकी तो मैं भूख से जान निकली जा रही है मेरी। अरे सर, आपका पार्सल गलती से दूसरा चला गया था, ये रहा आपका खाना। हाय 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 हाय, बहुत जान है इस खाने में। आ, मजा आ गया। मेरा नाम आई 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 ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो मछली, मैं पानी में, और ये मैं कहाँ आ गया? अरे मेंढक मामा, ये शिकार मेरा है, बहुत जान है इसमें। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा है मेंढक भांजे? बहुत जान है तो मैं खाऊंगा। बोलने वाले मेंढक, वो भी पेड़ पे। अरे मेंढक, मैं इंसान हूँ, तुम मुझे खाओगे? हम सब खाते हीरो, मेरी घोड़ा गाड़ी यहाँ है, कहाँ है? चल मेरे हीरो, बहुत जान है अभी तुझमें, बस मेरी जान बचा दे। भूख मुझे लगी है और ये मेंढक मुझे ही खाना चाहते हैं। अरे, 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 क्या कर रहे हो? केले, ले ले ले, केले खाओ, भूख मिटाओ, एक नहीं दो दो खाओ। फ्री के केले, ओएल, ले 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 ले, इसी से भूख मिटा लेता हूँ। ये मेरे सर पे क्या है? मैं ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा? केले वाले भाई साहब, मेरे सर पे केले का पेड़ क्यों उगाया? ये क्या केला जादू कर दिया तुमने? केला जादू नहीं, जो केले तुमने खाए हैं वो भूतिया केले हैं। क्या भूतिया केले? आई कौन हो तुम? हम हैं भूत, और मैं हूँ इनका बॉस, भूत बॉस, और हम यहाँ तुम्हें सजा देने आए हैं। केले वाला भूत, बचाओ! मुझे क्यों परेशान कर रहे हो भूत बॉस? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारा नहीं, हीरो का बिगाड़ा है। हीरो का? उसमें तो बहुत जान है। जान कहाँ से आएगी? तुम ना उसे घास खिलाते हो, ना चने खिलाते हो, दिन भर दौड़ाते हो और रात में दूसरे काम पर भेजते हो, खुद ढेरों मुनाफा कमाते हो और हीरो का जरा भी ध्यान नहीं रखते। उस पर काम का इतना बोझ डालते हो, इसलिए तुम्हारी ये सजा है कि अब जिंदगी भर इस केले के पेड़ को तुम अपने सर पर लेकर घूमोगे और हर भूखे को केले खिलाओगे। अच्छी सजा है, बहुत अच्छी सजा है। नहीं 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 नहीं, भूत बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे हीरो, मुझे माफ कर दे, तुझमें अब भी बहुत जान है। तुझे टाइम पे खाना दूंगा, जितना खाना होगा उतना खिलाऊंगा। मैं भूखा रहूंगा पर तुझे जरूर खिलाऊंगा, मेरी गलतियां माफ कर दे हीरो। वादा करते हो आज के बाद तुम हीरो को कभी परेशान नहीं करोगे? कभी नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। उसका
हर दिन पूरा ख्याल रखोगे? खुद से ज्यादा रखूंगा। खूब भालो, अगर नहीं रखा तो हम फिर से आएंगे और अगली बार तुम्हारे सिर पर केले का नहीं नारियल का पेड़ लगाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भूत बॉस। बॉस लगता है ये सुधर गया। आपकी सजा का फॉर्मूला काम कर गया। मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। हीरो मेरे दोस्त, मेरी जान, बहुत जान है तुझमें। तो टीपी आज सोने का क्या इंतजाम है? बस टंटनपुरी के पीछू गली के सामने वाले नुक्कड़ के 100 साल पुराने टेंशन टावर के 35वें माले के रूम नंबर 666 पर फ्री का एसी भी है। वाह क्या एड्रेस है, चलिए चलते हैं बॉस। लेट्स गो।